केवल और केवल राजनीति हो रही है इस मुद्दे के ऊपर। राजनीति से ना तो हरियाणा का फायदा हो रहा और ना पंजाब का फायदा हो रहा। वो मैंने सुना कल सुखबीर बादल कहते हैं कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है कि पंजाब का पानी सारा दिल्ली ले जाऊंगा मैं। अरे तुम्हारी तरह मैं पंजाब का खजाना लूट के अपने घर और सुखविला नहीं बनाता। केजरीवाल ईमानदार आदमी है। ऐसा कोई हो सकता है कि कोई पीआईएल हो सकती है कि पंजाब का पानी दिल्ली को दे दो जी? कुछ भी बोल देते हैं, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। अमृतसर की सीट पे हमने, जैसे मैंने अभी दो दिन पहले चन्नी साहब के बारे में भी बयान दिया था, हमने सर्वे कराया था, हमने अमृतसर ईस्ट का भी सर्वे कराया और उसमें सिद्धू साहब हार रहे हैं, मजीठा जी हार रहे हैं और मजीठिया जी हार रहे हैं और ये लड़की जीत रही है। और उसका कारण भी बता देता हूँ, हमने इसको भी दो तीन बार सर्वे कराया। लोगों को ये लग रहा है यार लड़की जो है ये अपने में से है। कल को सिद्धू साहब पिछले 5 साल या 10 साल से यहाँ पे है और ना किसी का फोन उठाते, ना किसी से मिलते, किसी को समस्या हो वो उनको अप्रोच नहीं कर सकता। अमृतसर हल्के में एक, ईस्ट हल्के में एक काम नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं हमें अपने में से एक आदमी चाहिए जिसके सुख दुख में रात को 12-1 बजे जरूरत पड़े उसके घर तो चले जाए जी, बीमार है इलाज करा दो। ये लड़की इनकी अपनी है, इनकी अपनी बेटी है, अपनी बहू है, तो ये लोग इसको कम से कम पकड़ के इसको अपना काम तो करा लेंगे। वो लोगों को पसंद आ रहा है। उसमें चन्नी साहब से लेके इवन सुखबीर बादल सबका ये आरोप है कि वो कहते हैं कि हमारे जो बचे कुचे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि झूठन है वो आप में जारी, तो आप में नया क्या है? और जो मेंबर पार्लियामेंट है लुधियाना के रवनीत बिट्टू, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमने भेजा वापस बुला लेंगे, तो इस पे आपका टेक क्या? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इतने बेतुके बयान है, इस पे आपको टेक क्या चाहिए? मतलब मैं देख रहा था वो रवनीत बिट्टू, वो खुद ही हंस रहा था अपने बयान पे जो बयान दे रहा था। सर एक केजरीवाल राज्यवादी बोल रहे हैं कि हम एक खुलासा करेंगे, आपने जो टिकटें दी है वो बेच के दी है टिकटें, स्वागत है जी उनका, खुलासा करें सामने को सुप्रीम कोर्ट को क्या करेंगे आप? टिकट काट देंगे, वो सीट छोड़ देंगे खाली। सबूत तो दो, सबूत तो दो। मैंने एक ऐसे आखिरी मोमेंट पे दिल्ली में एक बार हुआ था, हमने कहा था कि कोई भी अगर गंदा कैंडिडेट होगा, क्रिमिनल बैकग्राउंड का होगा, ये होगा, मतलब झूठे सच्चे केस, तो केस की बात नहीं कर रहा। एक केस में एक आदमी ने साबित कर दिया कि उसने अपनी फलानी फलानी किसी कोई उसने किया था, जो कि साबित हो गया। चुनाव के 48 घंटे पहले हमने उसकी टिकट काट दी थी। दोनों हारेंगे जी, मैंने तो लिख के भी दे दिया। अब कल दो चैन वो अब बदले में जब वो क्या कहते, जब आप लोगों ने उनसे पूछा जाके वो क्या जवाब देते, वो यही जवाब दे रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था, देखो जी सुबह से शाम तक आप चन्नी साहब के बयान है केजरीवाल 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 ऐसे करते रहते हैं। वो रात को सो नहीं पा रहे, आजकल आंख बंद करते हैं तो भूत की तरह मैं आता हूँ, फिर वो डर के उठ जाते हैं। वो बहुत दिन से नहीं सोए हैं। मैं भगवान से उनकी स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति दे थोड़ा उनके मन को। आप नशे की बात करते हो सर, आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आप दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, गली गली में नशा बिक रहा है, गुलाबी ठेके की बात कर रही है, वो ठेके खुल रहे हैं, 430 के करीब ठेके का अलॉटमेंट हुआ है। पंजाब में कितनी दुकानें हैं? सुनो, एक मिनट सुनो सुनो, मैं आपको डेटा तो ले लो यार। अभी दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले एक नई एक्साइज पॉलिसी निकाली है, ये उस एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं बीजेपी वाले खासकर। मैं सारी डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ, इसको अच्छे से छाप देना और इसको अच्छे से चला देना, क्योंकि प्रधानमंत्री अमित शाह इनके पास कुछ नहीं बचा हमारे खिलाफ कहने को, मतलब साफ हो गई है बीजेपी दिल्ली से। दिल्ली में पहले 850 दुकानें थी शराब की, उसकी समस्या ये थी कि कुछ एरिया में ये कॉन्सेंट्रेटेड थी और कुछ एरिया ड्राई थे, वहां दुकानें नहीं थी, जिसकी वजह से जहां दुकानें नहीं थी वहां पे इलीगल दारू बिकती थी। इसको हम बंद करना चाहते थे। टोटल 850 दुकानें थी, आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन हुई, 4 कमी हुई हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाई हमने। लेकिन हमने क्या किया है कि ये जो 850 दुकानें इधर कॉन्सेंट्रेटेड थी उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि कोई ड्राई एरिया ना बचे, ताकि इल्लीगल दारू मिलने बंद हो जाए। अब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बकवास कर रहे हैं। तो सुनो एक बार, सुन ले यार, सुनने की अरे यार सुन तो लो, मैं आपका पॉइंट नहीं है, उसका पॉइंट तो दूसरा, वो पूरा नहीं हुआ, दूसरों के पॉइंट भी पूरे हो जाने दो यार।
तो 850 में से 846 दुकानें खुलनी है, उसमें से अभी केवल 550 ही खुली हैं, बाकी अभी धीरे धीरे खुल रही हैं। ये पूरी कोशिश कर चुके, स्मृति ईरानी आ चुकी दिल्ली में, इनके बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी इस पे बोल चुके, जनता से इनको दिल्ली में समर्थन ही नहीं मिल रहा। एक मिनट सुन तो जाओ यार, सुन तो लो यार मेरे को, तो इनको कोई जनता का समर्थन ही नहीं मिल रहा। इतने बड़े बड़े अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, स्मृति ईरानी जैसे लोग अगर वहां पे वर्चुअल रैली करी, कहते हैं महाश विशाल रैली, वर्चुअल रैली, जनता में चार आदमी इनकी बात नहीं सुन रहे। जनता अगर नाराज होती, मेरे को तो जनता से लेना देना, दिल्ली की जनता अगर नाराज होती मैं उस पे एक्शन लेता, लेकिन जनता खुश है। आम आदमी पार्टी इज अ डिफरेंट पार्टी, तो नशे के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हो सकते हैं? ये भी तो नशे है, इसको अगर हम चाहे लीगलाइज कर रहे हैं बैंड्स को, आपके हिसाब से पंजाब में कैसी रहेगी? आपके हिसाब से प्रोहिबिशन होना चाहिए? आप बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जी, मैं तो एक मिनट, केजरीवाल साहब से नशे की बात हर एक पार्टी कर रही है, सोल्यूशन तो आपने कहा कि आप नए सोल्यूशन देंगे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक होता है शराब, एक होता है ड्रग्स, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि प्रोहिबिशन होना चाहिए देश में? सुनो तो सही यार, मैं बात पूरी कर लो, इसके ऊपर डिबेट हो सकता है। गुजरात के अंदर प्रोहिबिशन है, बिहार के अंदर प्रोहिबिशन है, आप कहो वहां पे होम डिलीवरी होती है दारू की, फोन नंबर है, गुजरात में ले लो दारू, खुलेआम बिक रही है, दारू की नदियां बह रही हैं वहां पे, तो सारा स्टेट में इलीगल दारू बिक रही है, सारे बिहार में इलीगल दारू बिक रही है, वो पैसा कहां जा रहा है? जिसने प्रोहिबिशन किया उसके पास जा रहा है। ये सुनो तो, एक मिनट सुन तो लो यार, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, सुनते नहीं हो यार, तो लीगलाइज करना सॉल्यूशन है आपके पास? मैं सुन तो लो यार, तो जहां तक ड्रग्स का सवाल है, जहां दिल्ली, जब हम पंजाब के अंदर नशे की बात करते हैं, हम ड्रग्स की बात करते हैं, जो इंजेक्शन लगते हैं, जो गोलियां लेते हैं, जो अफीम खाते हैं बच्चे, जो ड्रग्स बिकती है उसकी बात करते हैं, जहां तक लिकर का सवाल है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं वहां पे, दिल्ली के अंदर प्रोहिबिशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई ऐसी भी बात नहीं है कि जितनी पहले दारू बिकती थी उससे कोई बहुत ज्यादा दारू बिकने लगी है, उतनी दारू है जितनी पहले बिकती थी, लेकिन जो इलीगल दारू बिकती थी उसको बंद